जब तक ये मोदी सरकार घुटने ना टेक दे तब तक हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं बिमल मौजूद हूँ दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में, जहाँ पर किसानों का रुकने का इंतजाम किया गया है। हम चलते हैं, सीधे किसानों से बात करते हैं। जो पंजाब के किसान हैं, जो हम मोदी सरकार को बता दें, एक साल का राशन साथ में लेके आए हैं, छह महीने का राशन जो साथ लेके आए हैं। असि छह महीने का राशन लेके आए हैं जी, नाल जे असी अपना आपका जरा संघर्ष है वो जित के जावे। छे महीने का राशन सारे को, छे महीने का प्रबंध आ, असी इतें ही डेरे लावे पक्के तौर। और अगर जरूरत पड़ी तो गांव गांव में लोग ग्राही देने के लिए तैयार हैं, ता जो पंजाब हमारा बच सके। हम जो मोदी सरकार को बता दें उसने शेर के मुंह में अपना हाथ डाल दिया। एक दो ट्रालियां लेकर आए हैं, एक ट्राली में वो गद्दे लगाया है जो उसमें वो रात काटेंगे, एक ट्राली में सभी सामान पड़ा है। जब देखो सिलेंडर है, घी है, आटा है, वो जो हल्दी मसाला है, गुड़ है। ये पंजाबी हैं, सरदारों की कौम है। जब जब संघर्ष आया तो पंजाबियों ने, सरदारों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो अपने खेत और अपनी आने वाली पुश्तें बचाने के लिए पंजाबी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये तो 0.001% जहाँ पर आए हैं, बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में, वो जो ये बॉर्डर है रोहतक वाला, जो सोनीपत वाला बॉर्डर है, जो और बॉर्डर है भागवत वाला बॉर्डर है, वो काफी गिनती में लाखों लोग और हजारों ट्राली, ट्रैक्टर और उसके काले जीपें, बसें, वो तो बॉर्डर में खड़े हैं। हर जो संघर्ष होगा वो शांतिपूर्ण रहेगा, और मैं किसानों से भी बेनती करता हूँ, सभी किसान भाइयों से, कि शांतिपूर्ण अपना संघर्ष जारी रखें।